इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के सोपोर से आतंकी हमले की खबर आ रही है। आतंकियों ने बीएसएनएल के दफ्तर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की है। हमले में तीन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, तीनों बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। बीएसएनएल के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग की है आतंकियों ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ही आतंकी हमला हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, अपडेट क्या है, कितनी संख्या में आतंकी हैं और अभी का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है ये सोपोर की है और वहां पर अचानक कुछ बंदूकधारी पहुंचे जो आतंकी थे, उन्होंने जो है फायरिंग जो है करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के साथ ये लोग जो है वो काम करने वाले हैं। हालांकि बीएसएनएल ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि उनके कर्मचारी थे या कॉन्ट्रेक्चुअल जो रखते हैं वो थे, तो उनसे उनके साथ ही काम करने वाले थे, इन पे फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उस पूरे एरिया में जो है कई चोरी इक्विपमेंट जो है बीएसएनएल के हुए हैं टॉवर से, और हो सकता है उसका मिसयूज करने के लिए जो है वो आतंकी वहां की रेंज जो है मोबाइल नेटवर्क की वो बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कई बार थ्रेट दी जा चुकी थी, आज उन्होंने हमला किया है जिसमें तीन लोग जख्मी हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। ठीक है, अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।